ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं कामाख्या माँ का एक ऐसा मंत्र आपको बताऊंगा जो कि आपको एक ऐसी सिद्धि प्रदान कर देगा जिससे कि आपके भीतर आकर्षण की शक्ति प्रबल हो जाएगी। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको वाहवाही मिलेगी। एक टक जिसे देख लेंगे वो आपके वशीभूत हो जाएगा। एक ऐसी सम्मोहन की शक्ति जो कि लाखों लोगों में से आपको छांट लेगी। लोग चाहे कितने भी हों, उस भीड़ में से भी सिर्फ आपकी तरफ नजरें जाएंगी। एक ऐसी आकर्षण की शक्ति जो कि विलुप्त हो चुकी है, किंतु आज मैं आपको दूंगा एक ऐसा मोहिनी मंत्र जिससे कि वो आकर्षण की शक्ति आप सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। इस विद्या के लिए आपको कामाख्या का जो सिंदूर होता है, असली सिंदूर, उसकी आवश्यकता होगी। आपको सिर्फ 41 दिनों तक उस सिंदूर से अपने माथे पर एक तिलक लगाना है। तिलक लगाकर आपको ध्यान में बैठ जाना है। माँ कामाख्या का ध्यान कीजिए 41 दिनों तक। एक ही स्थान पर त्रिकाल संध्या आपको ये साधना करनी है। इस साधना को जब आप करें तो पूर्णतः सात्विक रहें, किसी भी तरह का मादक पदार्थ प्रयोग में ना लाएं, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, इन सब से दूर रहें और शांत स्वभाव के साथ किसी एक ऐसे कोने में बैठ जाएं, किसी एक ऐसे हवादार कमरे में, किसी ऐसी गुफा में, किसी वट वृक्ष के नीचे, किसी नदी तट के पास आप अपना एक ऐसा आसन बनाएं जो कि नित्य एक ही समय पर त्रिकाल संध्या आप वहां पर जा सकें और अपनी साधना कर सकें। एक दो घंटे, जितने घंटे आप कर सकें, उस स्थान पर बैठिए, कामाख्या का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाकर और इस साधना को करना शुरू कीजिए। इस साधना के बीच में माँ कामाख्या आपको स्वप्न में या प्रत्यक्ष आकर आपको सिद्धि प्रदान करेगी। जिस दिन आपको ये सिद्धि मिल जाए उस दिन माँ भगवती को कुछ चढ़ाएं, कुछ अर्पित करें मीठा, जैसे खीर हो गई, बताशे हो गए या फिर कोई भी ऐसा मीठा पदार्थ जो कि आप अपने साथ रखें, और जब आप साधना करें तो पहले वो अर्पित करें फिर अपनी साधना करें। ऐसा करने से आपके पास आकर्षण की शक्ति आ जाएगी और ये इतनी प्रबल होगी कि आप जहां से एक बार गुजर जाएंगे लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखेंगे। ध्यान का मंत्र सुन लीजिए। क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः। इस मंत्र पर आपको ध्यान लगाना है। जब आप इस मंत्र का गुंफन करें तो गुंफन ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ आपके कान तक इसकी ध्वनि जाए, इससे आगे कोई इसे सुन ना पाए। इस तरह से इसका गुंफन करना है। 41 दिनों तक ये प्रक्रिया दोहराते रहिए जब तक कि आपको अनुभव ना होने लग जाए कि आपके भीतर कुछ बदलाव हो रहे हैं। जब आप पाएं कि आपके भीतर कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्तियां आ रही हैं जो कि दूसरों को आपके प्रति आकर्षित कर रही हैं, जो जानवर हैं वो भी आपसे बहुत समीप आ रहे हैं, आपके आपसे डर नहीं रहे हैं, तो समझिएगा कि आपकी जो ये सिद्धि है ये आपको प्राप्त हो गई है। मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए जब आप ध्यान में हो। इससे क्या होगा कि आपके जो विचार हैं वो शांत हो जाएंगे और आप माँ कामाख्या को प्रत्यक्ष देख पाएंगे। और इसके बाद जो सिद्धियाँ आपको मिलेंगी वो इस जगत में समझाना बहुत मुश्किल है। जब आप उन्हें अनुभव करोगे तो ये दुनिया ही आपको अलग लगने लग जाएगी। इस तरह की सिद्धि एकांत में होती है। किसी भी जीव को अपने साथ ना लेके जाएं, किसी वन में जाएं, किसी वट वृक्ष के नीचे जाएं, किसी नदी किनारे जाएं, तो आप वहां पर दूर दूर तक अकेले हों, कोई दूसरा आपके आसपास ना हो। यदि ये सिद्धि आप कर लेते हैं तो आपको माँ कामाख्या का आशीर्वाद मिलेगा। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो 9982416625 पर। आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हो मोहिनी विद्या.com।
यहां पर भी आपको अनेकों प्रकार की सिद्धियां मिलेंगी। धन्यवाद।